अब आप शिफ्ट दिए ना, तो देन ये मौका क्या आ गया, गिव एंड टेक का आ गया, कुछ उपहार लेके नहीं जाते हम प्रेजेंट। तो पर्सनली मीर जाफर क्या करेगा, मीर जाफर गेव प्रेजेंट्स टू रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को क्या देगा, कुछ ना कुछ प्रेजेंट्स देगा। आई बात समझ। और लास्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है, जब रॉबर्ट क्लाइव को इतना कुछ मिलेगा मीर जाफर से, तो लास्ट में आपको सारी पार्टी सेटिस्फाई होगी दिखी ना, यानी कि आप जब भी किसी भी बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर कुछ भी पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टाइम पर आपको तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड कोर्स ऑफ वार या बैटल हो क्या रहा है, थर्ड कॉन्सिक्वेंस, एंड फोर्थ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यानी कि रिजल्ट्स क्या है, लास्ट में क्या सिग्निफिकेंस है। अगर एक क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे यही पुट अप कर दूं, इफ बैटल ऑफ प्लासी डिडंट हैपन दैट व्हाट इज द कोर्सेस इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या होता अगर बैटल ऑफ प्लासी ही नहीं होता, तो फिर सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया तो, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछता है, यूपीएससी क्या पुट आउट करता है, अगर सारे युद्ध पानीपत में क्यों हुए, अधिकतर युद्ध कहाँ हुए, पानीपत में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब वो ऐसे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर ब्रिटिश भारत में आते ही नहीं तो क्या होता, और कुछ होता नहीं होता, मेरे यहाँ सिलेबस कम होता, मुझे कम पढ़ाना पड़ता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पता